यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक डबल डेकर बस ट्रोला में जा घुसी। इस घटना में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 31 अन्य को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। रात के अंधेरे में मौत आई और सब कुछ लील कर चली गई। बस में बैठे मुसाफिरों को न सोचने का मौका मिला न संभलने का। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर थाना लगला के पास वोल्वो बस ट्रोला से इतनी भीषण टक्कर हुई कि कई जिंदगियां मौत की नींद सो गई। बस और ट्रोला की टक्कर होते ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते वोल्वो बस यात्रियों के शवों को उतारने लगी। कम से कम 120 के आसपास था। ये हादसा कैसे हुआ? ये तो हम लोग पता नहीं, हम लोग तो केबिन में थे। अब पता नहीं, एक बैग जब लग के आई ना तो हम लोग कहे कि अरे क्या हो गया। तब हम लोग देखे तो ये पूरी ठुकी हुई थी। ये जो 18 चक्का का टेलारी है उसकी। तो इसमें लगभग कितने लोगों की दुर्घटना हुई? कितने आप अकेले थे या आपका परिवार साथ था? नहीं, हमारे ये तीनों बंदे, हम एक ही साथ थे। सारे लोग सुरक्षित बचे? हाँ, हम लोग। ये बस दिल्ली से चली बिहार जा रही थी। बस में 40 से 45 यात्री सवार थे। रात 10 बजे जैसे बस ट्रोला से टकराई, उस वक्त ज्यादातर मुसाफिर नींद में थे। बताया जा रहा है कि ट्रोला का टायर पंचर हो गया था और ट्रोला सड़क के किनारे खड़ा था। बस की रफ्तार 100 से ज्यादा थी। अंधेरा होने के चलते बस चालक को खड़ा ट्रोला नहीं दिखा। ड्राइवर वाली साइड में बस ने ट्रोला को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को सैफई मिनी PGI में भर्ती कराया गया। बस और ट्रोला की टक्कर इतनी भीषण थी कि पुलिस को क्रेन तक मंगानी पड़ी। देखिए, ये 71 किलोमीटर माइलस्टोन है। आगरा से लखनऊ ये बस जा रही थी और करीब 10 बजे की ये घटना है। ये बस जो है पहाड़गंज दिल्ली से मोतिहारी ढाका की तरफ जा रही थी और करीब इस बस में 40 से 50 की संख्या में लोग सवार थे। जो प्रथम दृष्टया जानकारी मिली है, एक बड़ा ट्राला है, उसमें कुछ खराबी आई तो वो साइड में वो खड़ा था, जिसको ये बस चालक संभवतः देख नहीं पाया और इसने ड्राइवर साइड से जाके पूरा बस को उसमें रैम कर दिया और इसमें काफ़ी बस जो है काफ़ी, आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुई और उसमें काफ़ी सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो भी इसमें घायल हैं उनको तत्काल जो है यहाँ से सैफई मिनी PGI में रेफर किया गया। कुछ लोगों को अन्य जो ट्रॉमा सेंटर है वहाँ भी व्यवस्था कराएगी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस में हुए हादसे में कई घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका सैफई मिनी PGI में इलाज चल रहा है। हालांकि अभी तक घटना के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। माना जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी आई होगी और इसी दौरान इतना बड़ा हादसा हो गया, क्योंकि आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे काफी चौड़ी सड़क है। फिलहाल मौसम भी साफ है। कितने आपके परिवार के में कौन कौन था वहाँ पर? मेरे भैया थे, भाभी थे, मेरी मम्मी थे, भैया भाभी के बच्चे दो है, मेरे बच्चे थे। अच्छा, बिहार में किस जगह जाना था? बिहार में शिवहर जाना था, मम्मी के गाँव। अच्छा, तो दिल्ली से कितने बजे बस चली थी? दिल्ली से बस हम लोग तो 2 बजे बैठे थे, 5 बजे बस खुली थी। अच्छा, तो उसके बाद ये अचानक से ये घटना हो गई, तो आपका बच्चा सेफ है और आपके परिवार में कोई और भी घायल हुआ? मेरी मम्मी है उधर लेटी हुई, देखे तो अभी नहीं है। मेरे भैया भाभी अभी तक आए नहीं है, तो बस में फंसे हुए थे। एम्बुलेंस पे आया था, मम्मी हम लोग निकल गए थे, तुम लोग आ गए। भैया भाभी पता नहीं कहाँ है, नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है। तो वहीं इस हादसे पर CM योगी ने संज्ञान लिया है और फिरोजाबाद के DM को घायलों का उचित इलाज कराने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।